नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। मॉनसून सत्र का महाभारत, जी हां, सोमवार से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और 5 दिन तक चलने वाला ये सत्र कई मायनों में खास रहने वाला है, जिसके लिए जहां एक ओर योगी सरकार ने अपनी रणनीति तैयार की है तो वहीं विपक्षी दल भी इसे लेकर अपनी रणनीति की धार देने की पूरी कोशिश करते दिख रहे हैं। जहां सरकार इस सत्र में कई अध्यादेश सदन के पटल पर रखने वाली और अपने 100 दिन का काम गिनाने वाली है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने का पूरा गुणागणित सेट कर रखा है। रविवार को मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई तो बीजेपी और सपा ने इससे अलग भी अपने विधायकों के साथ बैठक की है। आज जीयूपी उत्तराखंड पर भी हम ऐसे ही सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं, जिससे आपको भी साफ होगा कि सोमवार से होने वाले मॉनसून सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर होने वाली सर्वदलीय बैठक के मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। सोमवार से उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है और इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। वहीं रविवार को सत्र के पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अलावा सत्ता पक्ष की ओर से सीएम योगी, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत विपक्षी दल के कई नेता शामिल हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज कुमार पांडे, बीएसपी से उमाशंकर सिंह, कांग्रेस से आराधना मिश्र मोना इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही सुभाषपा, आरएलडी और राजा भैया की पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद जहां बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष पर निर्भर करेगा कि सदन ढंग से चलता है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो 23 तक अभी आपने जो शेड्यूल दिया है इससे पहले भी आप बंद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो आपको किसी भी हालत में आपको भागने नहीं देंगे और हम अपने नियमों के तहत संसदीय परंपरा में जो प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं और जो जनहित से जुड़ी समस्याएं हैं उसको हम रखेंगे। दरअसल ये विपक्ष के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है कि सदन सुचारू रूप से चले। सत्ता पक्ष तो चाहता ही है चले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इसीलिए सदन आहूति करवाया, तो विपक्ष के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। वही मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विरोधी दल सभी ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर अखिलेश यादव की अध्यक्षता में विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि 19 सितंबर की सुबह सभी सपा विधायक पार्टी मुख्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालेंगे और साथ ही सदन में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और आज जब खासकर उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े मुद्दे हों, सूखे से उत्तर प्रदेश प्रभावित हो, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और तमाम इस तरह के जनहित के ज्वलंत मुद्दे हों, तो आज कार्य मंत्रणा में भी और सर्वदलीय बैठक में भी हमने ये निवेदन किया कि इसके समय अवधि बढ़ाई जाए, कम से कम 10 दिन की व्यवस्था नियमावली में दी गई है। एक ओर समाजवादी पार्टी ने बैठक की तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी शाम 6 बजे लोकभवन के सभागार में बैठक की, जिसमें एनडीए के सभी विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही इस बात पर चर्चा हुई कि मॉनसून सत्र में किन अहम मुद्दों को उठाया जाना है और कौन से विधेयक सदन के पटल पर रखे जाने। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि इस बार सत्र में महिला सदस्यों को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सत्र को लेकर सपा पर निशाना साधा। आज तक देश की किसी भी विधानसभा ने इस प्रकार का पहल नहीं करी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इसकी पहल हुई है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करी, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत एक पॉजिटिव नोट के ऊपर विचार विमर्श किया और 22 तारीख को हमने क्वेश्चन आवर के बाद पूरा दिन महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया कि उनको बोलने का अवसर मिलेगा, वो बोलें सब।
देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गड़बड़ी पैदा करना है, थानों पर अपराधी कब्जा करें, अपराधों को आगे बढ़ाना, अपराधियों को महिमा मंडित करना उनका सगल रहा है। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ में जिस ढंग से कुख्यात अपराधी से मिलकर के उन्होंने उसको पुष्पित पल्लवित किया, हमारी सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। सोमवार से 5 दिन चलने वाले मानसून सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। जहां सरकार का दावा है कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि वो महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। यानी मानसून सत्र में महाभारत होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।